हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइकिल ट्रेवलिंग दिल्ली में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बहुत ही अच्छी शानदार लोकेशन पे लेके आए हैं, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे के पास लेके आए हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे जो मकबरा देख रहे हैं, ये इमारत देख रहे हैं, इस मकबरे का नाम है बड़े खां का मकबरा। और ये मकबरा बना हुआ है साउथ एक्सटेंशन दिल्ली के अंदर, और यहाँ की मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूँगा, ये मकबरा किनका है और कहाँ पर बना हुआ है। अगर आप यहां पर आना चाहते हैं बाय मेट्रो कैसे आ सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप भी देखना और घूमना चाहते हैं बड़े खां का मकबरा, तो आपको आना होगा दिल्ली के साउथ एक्सटेंशन एरिया में, जहाँ पर ये तीन भाइयों के मकबरे बने हुए हैं, छोटे खां, बड़े खां, भूरे खां। आज मैं आपको दिखाऊंगा बड़े खां का मकबरा। एंट्री गेट के पास में आपको पार्किंग मिल जाएगी निशुल्क। इस मकबरे की टिकट प्राइस की बात करें, ये बिल्कुल फ्री है, निशुल्क है, कोई टिकट चार्ज नहीं लगता। टाइमिंग की बात करें, सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक आप यहां पर किसी समय भी आ सकते हैं। हफ्तों के 7 दिन खुला रहता है। अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो करीबी मेट्रो स्टेशन साउथ एक्सटेंशन मेट्रो स्टेशन से आप इजीली यहाँ पर 10 मिनट में ऑटो से आ सकते हैं। तो दोस्तों, फाइनली सामने आप देख सकते हैं, यह है बड़े खां का मकबरा। ये मकबरा छोटे खां, भूरे खां से बड़ा भी है, और इसका नाम भी है बड़े खां का मकबरा। इन मकबरों की हिस्ट्री के बारे में बात करें, तो इन मकबरों की ज़्यादा कोई हिस्ट्री नहीं दी गई है, ना ही इतिहास में दी गई है, और ना ही गवर्नमेंट के द्वारा। यहाँ पर ASI का बोर्ड लगा हुआ, वहाँ पर भी कोई हिस्ट्री ज़्यादा नहीं दी गई है। ऐसा माना जाता है, इतिहासकारों ने माना है, ये मकबरे लगभग 600 वर्ष पुराने बने हुए हैं। लोधी शासन, लोधी डायनेस्टी, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्ट द्वारा लोधी शासन में बनाए गए ये मकबरे लगभग 600 वर्ष पुराने हैं। बड़े खां, छोटे खां, भूरे खां, बड़े खां का मकबरा, हालांकि नाम से ही देख सकते हैं ये बड़ा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बने दो मकबरों से ये काफ़ी बड़ा है। और दोस्तों, ये मकबरे लगभग हमेशा के लिए बंद ही रहते हैं, इनके अंदर प्रवेश द्वार जो मेन एंट्री गेट है वहाँ नहीं जा सकते, क्योंकि गार्ड ने उस मेन द्वार पर ताला लगा रखा है, हम अंदर नहीं जा सकते हैं। हम आपको बाहर से इसका पूरा व्याकरण कराते हैं, दीदार कराते हैं। रेड स्टोन, येलो स्टोन मिलाकर ये बना हुआ लोधी डायनेस्टी का, लोधी शासन का नायाब नमूना है ये बड़े खां का मकबरा। यह मकबरा काफ़ी विशाल है, उसके चारों तरफ कोने में आपको बुर्ज दिखाई दे रहे होंगे, देख सकते हैं मीनार बने हुए हैं, और इसका मेन बीच में गुंबद बना हुआ है बड़ा, और चारों तरफ इसके छोटे छोटे मीनार बने हुए हैं। बीच में छतरियाँ साइडों से दी गई हैं, जो कुछ छतरियाँ टूट चुकी हैं अपनी जगह से। Thank you.
दोस्तों इन तीनों मकबरों के चारों ओर पार्क बना हुआ है, यहाँ पर गार्डन बना हुआ है, जो यहाँ पर लोग आते हैं मॉर्निंग में घूमने फिरने के लिए आते हैं, क्योंकि ये मकबरा सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक खुल जाता है और यहाँ पर लोग आते हैं। काफ़ी खूबसूरत एरिया है और यहाँ पर कोई टिकट चार्ज भी नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री है, निःशुल्क है। तो आप यहाँ पर आ सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, महिला मित्र के साथ, यहाँ पर आप इंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत एरिया है दिल्ली के साउथ एक्सटेंशन का। देख सकते हैं सामने इसका ये मकबरे का मेन एंट्री गेट है, जो लोहे का गेट लगा दिया गया है, उसमें ताला लगा दिया गया है। और इसके मेन एंट्री गेट की आपको मैं मेहराब दिखाता हूँ। काफ़ी खूबसूरत तरीके से रेड स्टोन पत्थर को काट के एक गुम्बद की आकार में देख सकते हैं इसकी जो मेहराब बनी हुई है, दर बना हुआ है, काफ़ी खूबसूरत है। देख सकते हैं आप क्या कारीगरी की गई है 600 वर्ष पुराने लोगों ने। काफ़ी खूबसूरत ये मेहराब इसकी बनी हुई है और ये मकबरा दोस्तों ज़्यादातर बंद ही रहता है। देख सकते हैं इसके मेन द्वार पर ताला लगा हुआ है। मैं आपको इस मकबरे के अंदर का नज़ारा इस दरवाजे के कैमरे के अंदर, कैमरे को अंदर डालकर मैं आपको अंदर का नज़ारा दिखाऊंगा। अंदर कई कब्रें बनी हुई हैं इस मकबरे के अंदर, हालांकि ये ज्ञात नहीं है इस मकबरे के अंदर जो कब्रें बनी हुई हैं वो क्या बड़े खां के परिवार की कब्रें बनी हुई हैं, ये ज्ञात नहीं है। ये अज्ञात है कि इसके अंदर जो कब्रें बनी हुई हैं वो किसकी हैं। तो दोस्तों मैं आपको इसके अंदर मकबरे के अंदर कैमरे को प्रवेश करके दिखाता हूँ। इनके अंदर जो कब्रें बनी हुई हैं वो काफ़ी खस्ता हाल हैं और काफ़ी जर्जर कब्रें बनी हुई हैं, ऐसा लगता है उन कब्रों को देख सकते हैं कहीं शिफ्ट किया गया हो। देख सकते हैं आप अंदर ये जो कब्रें बनी हुई हैं वो काफ़ी जर्जर हैं, खस्ता हाल हैं। और अंदर का काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है इस मकबरे का, अंदर आप गुंबद का नज़ारा देख सकते हैं, दीवारें देख सकते हैं, मेहराबें बनी हुई हैं अंदर, और इसमें चारों तरफ रेड स्टोन की जाली काट कर लगाई है, पूरे पत्थर की जाली लगी हुई है जो काफ़ी खूबसूरत है और हवादार है, रोशनी दे रही है अंदर के लिए। दोस्तों आशा करते हैं आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। ऐसा ही दिल्ली के मॉन्यूमेंट की हिस्ट्री जानने के लिए, दिल्ली में ट्रेवलिंग करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि आने वाले समय में आपको बेहतर से बेहतर जानकारी के साथ, हिस्ट्री के साथ वीडियो दे सकूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, ऐसा ही आपका प्यार बना रहे, थैंक, धन्यवाद।